नमस्कार। संगीत को लेकर, खास करके शास्त्रीय संगीत को लेकर जनमानस के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों का समाधान वो गूगल पर ढूंढने का कोशिश करते हैं या फिर विभिन्न वेबसाइट्स पर जाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है जब कोई कलाकार और संगीत को चाहने वाला, संगीत का श्रोता और सीखने की इच्छा रखने वाला आपस में बैठकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर निकालने की या उनको जानने की या शेयर करने की कोशिश करें। मेरे मन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं क्योंकि मुझे समय समय पर सब लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तो आगे आने वाले कुछ वीडियो इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर देने का छोटा सा प्रयास रहेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि हर वीडियो में मैं एक प्रश्न उठाऊं और उसका मैं उत्तर दे सकूं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है जो बहुत बार हमेशा ही मुझसे सब लोग पूछते हैं कि संगीत सीखने की, शास्त्रीय संगीत सीखने की सही उम्र क्या है, कौन सी उम्र में शास्त्रीय संगीत सीखा जा सकता है, कौन से में नहीं सीखा जा सकता, या हमारी एज इतनी है तो हम सीख सकते हैं क्या, या हमारे बच्चे इतना है तो वो सीख सकते हैं क्या। तो बेसिकली मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगी कि अगर आपको संगीत सीखना है, शास्त्रीय संगीत सीखना है या कोई भी कला सीखनी है या ज्ञानार्जन करना है तो उसकी कोई भी उम्र ऐसी स्पेसिफिक नहीं होती। आप किसी भी उम्र में, आप 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, 80 के हो, संगीत को सीखने की, शास्त्रीय संगीत को सीखने की, कलाओं को सीखने की कोशिश कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इधर प्रश्न यह भी आता है कि अगर हमारी एज है, सर्टन एज है, हमने 50 क्रॉस कर दिया, 55 क्रॉस कर दिया है, अभी हमें उतना याद नहीं रहता है या हमारी ग्रेस्पिंग पावर शायद उतनी नहीं है जो बच्चों की होगी या कॉलेज कोई बच्चों की होंगी, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, क्या हम कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं है, हमें पहले से डिसाइड करके नहीं बैठना चाहिए कि हमारी एज इतनी है तो हम शायद नहीं सीख पाएंगे या फिर इन चीज़ों का गलत ही प्रभाव हम पर पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप जब सीखने की कोशिश करना शुरू करें या सीखना शुरू कर बेसिकली, तब आप उन छोटी उम्र के बच्चों से जो शायद स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं, उनसे बहुत अच्छा करने लगे। तो ये हर इंसान पर, हर व्यक्ति पर डिपेंड करता है, उसके ग्रेस्पिंग पावर पर डिपेंड करता है। कई बार जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, बच्चों से अच्छा करते हैं, कई बार बच्चे उनसे अच्छा करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके अपनी शक्ति के ऊपर, अपनी पावर के ऊपर। और अगर हम सीखते हैं तो धीरे धीरे करके हमें वो क्षमता, हमें वो शक्ति डेवलप होने लगती है कि हम संगीत को अच्छे से समझ सकते हैं। किसी को थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, किसी को थोड़ा सा कम समय लग सकता है, पर सीख हर कोई सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस उम्र में नहीं सीखा जा सकता है, उस उम्र में नहीं सीखा जा सकता। तो संगीत सीखने की बेसिकली कोई एज नहीं, आप किसी भी उम्र में संगीत सीखना शुरू कीजिए, आप सीखेंगे। बच्चों को कब से संगीत सिखाना चाहिए? हमारा बच्चा 8 साल का है तो क्या ये सही एज है? 6 साल का है तो क्या ये सही एज है? 3 साल का तो क्या बहुत छोटी एज है? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं 3 साल के बच्चे नहीं सीख सकते, 4 साल के बच्चे नहीं सीख सकते संगीत। 12 साल का हो गया है तो क्या है, पढ़ाई इतनी है तो क्या ये एज सही है? तो इनका उत्तर ये है कि अगर आप अपने बच्चे को सच में संगीत सिखाना चाहते हैं, शास्त्रीय संगीत या कोई भी संगीत का जो परंपरा है, संगीत का इंस्ट्रूमेंट है, संगीत से रिलेटेड कोई भी जॉनर आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं, तो उसकी सही एज है जब बच्चा अपनी मम्मा के पेट में होता है, जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है। आप तभी से संगीत के जो सीरीज हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियोस हैं अच्छे अच्छे कलाकारों के, उनको सुनवाना शुरू कीजिए। ठीक है, तो एक संस्कार, एक संगीत का जो काम होता है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा, एक सबकॉन्शियस माइंड में संगीत जाता रहेगा। जो बच्चा 1-1.5 साल का है, चलने लग रहा है, बोलने लग रहा है, तब भी उसको बहुत सारा, दिन भर घर में क्लासिकल लगा के रखिए, दिन भर घर में अच्छे से अच्छे भजन लगा के रखिए, अच्छे अच्छे से संगीत के वीडियो लगा के रखिए, लेक्टम सेशंस लगा के रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा वो सबका सब एस इट इज़ बोलने लगेगा या कर पाएगा, लेकिन जब आपका बच्चा बड़ा होगा तब उसके अंदर ये सब चीज़ें अंदर अपने आप ही समाहित हो चुकी होंगी। तो संगीत सीखने की उम्र यानी जब बेबी होने वाला है तब से। अब किस एज में उसे संगीत के गुरु के पास भेजा जाए या संगीत सिखाने के लिए विधिवत शिक्षा शुरू की जाए, यह प्रश्न आता है। तो 2.5-3 साल की उम्र से जब बच्चा बैठने लगे, जब हम उसे प्ले ग्रुप, नर्सरी में डालते हैं, तभी से हमें उसे गुरुग्रह में भेज देना चाहिए। अब
इस समय में बच्चा क्या करेगा, इस समय में बैठकर अपने गुरु के पास जो बाकी विद्यार्थी हैं, जो उससे एज में थोड़े बड़े हैं, उनको सुनेगा, उनको समझेगा, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करेगा साल लगाने की, एक हद स्वर बीच में गाने की, एक हद लाइन गाने की, 3-3 की एज तक ये शायद यही चलेगा, लेकिन इससे उसका गला तैयार हो जाएगा, उसके सुर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। उसे बहुत कुछ सुनाओ, उसे याद हो जाएगा, तो जब खुद गाने लगेगा 4-4.5 के एज में, तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट उसका क्या बोलते हैं आउटपुट होने लगेगा, रिजल्ट आने लगेंगे। जब 3.5 साल का बच्चा होता है तो दैट इज द वेरी मच परफेक्ट एज, क्योंकि बच्चा बोलने लगता है, शांति से बैठने लगता है, ठीक है। हर बच्चा चंचल होता है, तो हम बच्चों से ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो एक कोने में शांति से बैठ के संगीत सीख लें, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगर आपको ये लगता है हमारा बच्चा तो बैठता ही नहीं है, हमारा बच्चा तो शांत ही नहीं रहता है, कोई बात नहीं है, आराम से ले जाइए क्लास में बिठाइए संगीत की, वो ज़रूर बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि संगीत में वो क्षमता है कि आपके दिमाग को शांत करती है। संगीत एक प्रकार का उसके लिए क्रिएटिव खेल है, जैसे वो आनंद से करना चाहेगा, सीखना चाहेगा। हो सकता है क्लास जाने में नानुकूर करें, जैसे सब बच्चे करते हैं, थोड़ा बहुत परेशान करें, लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे ही बच्चे में एक इच्छा डेवलप होगी ना, वो अपने आप जाने आने लगेगा। तो उस एज से सिखाना शुरू कीजिए। शुरू में एक हद स्वर गा के, एक हद अलंकार गाएगा, छोटा सा एक हद गाना गाएगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो अच्छा गाने लगेगा। 4.5-5 की उम्र में आपका बच्चा अच्छा गाने लगा। अब प्रश्न यहाँ पे आता है कि अब जब बच्चा 4.5-5 साल का हो चुका है, ठीक है, और उसको अभी तक नहीं डाला, लेट्स से कि बच्चा 10-12 साल क्रॉस कर गया है और अभी तक कभी म्यूजिक क्लास डाला नहीं है, संगीत के सीखने के लिए डाला नहीं, अब क्या करें? तो ऐसे समय में अगर आपका बच्चा 10-12-15 साल का भी हो जाता है, ठीक है, माना कि वो 10 जगह जा रहा है, माना कि बहुत सारी पढ़ाई है, बहुत सारे जगह पे उसका दिमाग डाइवर्ट हो चुका है, लेकिन संगीत से अच्छा कोई चीज़ नहीं है उसको शांत करने के लिए, वापस काम डाउन करके वापस फोकस लाने के लिए, कंसंट्रेशन लाने के लिए, तो उसे डालिए। वो बहुत जल्दी चीज़ों को कैच करेगा, बहुत जल्दी सीखेगा, बहुत जल्दी नॉलेज उसके अंदर आएगा। तो मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया है कि संगीत सीखने के लिए कोई एज नहीं है, 0 साल से लेकर 80 तक के लोग, बुजुर्ग लोग भी संगीत सीख सकते हैं। जो कुछ औरतें होती हैं जो बहुत सालों से, जो कॉलेज छोड़ने के बाद कहीं बाहर ऐसा उनका निकलना नहीं हुआ है, उन्होंने कोई हॉबीज परस्यू नहीं की हैं, या वो बाहर नहीं निकली हैं, तो ऐसे में उनको लगता है कि अभी इतने साल हम बैठे रहे, अब क्या होगा? ऐसा नहीं है, आप सीखेंगे, आपको एक अच्छा सा मन लगने का एक जगह मिलेगी, आपका जो खाली समय है, खाली स्पेस है, वो अच्छी सी क्रिएटिविटी में यूज़ होगा, ठीक है। आपके अंदर एक विश्वास जगेगा, एक आत्मविश्वास आएगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, या है ना, तो आप अभी भी शुरू कर सकते हैं, कभी भी शुरू कीजिए, पर संगीत सीखिए। तो आई थिंक नमस्कार। हाँ, अगर आपको कोई भी प्रश्न है जो आपको लगता है जो आपको संगीत से संबंधित और आपको मुझसे पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नीचे कमेंट में डालिए या veenavenu@gmail.com पर मेल कीजिए, info@veenavenuartfoundation.com पर मेल कीजिए, या हमें इस पर कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रश्नों को उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूँगी। धन्यवाद।